अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो के अंदर मेरे पास एक चैनल है जो कि उसका टारगेट कंप्लीट हो गया है, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर, और हमने जो है वो अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए। अगर आपका भी चैनल जो है वो कंप्लीट हो गया है, आपके चैनल का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर, तो आप भी मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मतलब की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका चैनल ठीक है, एक मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम वर्ड स्टूडियो के ऊपर जाते हैं, डॉलर के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नीचे आप देख सकते हैं कि 1355 सब्सक्राइबर हैं और 4190 वॉच टाइम यानी कि घंटा 4000 चाहिए था, वो भी कम्प्लीट हो गया है। और नीचे टू स्टेप वेरिफिकेशन ये भी आपने करना है, और नीचे फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइन, आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए आपके चैनल के ऊपर। तो अगर ये आपके चारों चेक बने हुए हैं ग्रीन कलर के, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए। उसके लिए आपने सबसे पहले अपने कॉन्टेंट पर जाना और एक चेक कर लेना है कि आपके किसी भी वीडियोज़ के ऊपर क्लेम या कॉपीराइट क्लेम या इस तरह का कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, तो इस वीडियो किसी भी वीडियोस के ऊपर कोई भी क्लेम वगैरह नहीं है। ठीक है, और शॉर्ट्स के ऊपर जाते हैं, तो शॉर्ट्स के ऊपर हम जाने के बाद ये देखते हैं, तो यहाँ पे जी हमारी कोई भी वीडियोस जो है वो क्लेम वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट्स के ऊपर जो है वो ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि डिफरेंट तरह की जो है वो वीडियोज़ हैं, लेकिन वो प्राइवेट की हुई हैं। अगर आपकी अपनी वीडियोस हैं तो आप उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए कोई इशू नहीं है, मतलब आपके बनाए हुए कैमरे के साथ। अच्छा, लाइव के ऊपर देखना कोई क्लेम या कॉपीराइट तो नहीं है। प्लेलिस्ट में देखना कोई आपने ऐसी कोई उनके पॉलिसी के ख़िलाफ़ तो नहीं कोई प्लेलिस्ट बनाई। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपने चेक करने के बाद जो है वो आपने अप्लाई कर देना है अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जी, हम अप्लाई करेंगे ये चैनल। यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल का नाम है, वो है तलहा भंडारी। ठीक है, ये हमारे भाई हैं, दोस्त भी हैं, और इनका ये म्यूज़िक का चैनल है, सिंगर सॉन्ग वगैरह जो है वो अपने यहाँ पे रिलीज़ करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपको इनके सॉन्ग अच्छे लगते हैं तो इनके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ये अप्लाई नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे तीन टारगेट जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, नंबर वन पे जो आपको टारगेट मिलेगा वो है जी रिव्यू बेस्ड टर्म्स। ठीक है, ये इसके ऊपर आपने स्टार्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो मैं जल्द से स्टार्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये सामने एक फॉर्म आएगा, तो हमने सभी जो जितना भी फॉर्म है इसको जो है वो रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट दी बेस्ड टर्म के ऊपर आपने क्लिक करके चेकआउट करके एक्सेप्ट कर देना है, तो आपका जो पहला स्टेप है वो चेकआउट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है नंबर टू की। नंबर टू के अंदर आपने क्या करना जी, साइन अप फॉर एड्स एंड फॉर यूट्यूब। ठीक है, वो कह रहा है जी आप अपना यहाँ पे एड्स एंड जो है वो लगाएं। तो हमने क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दो तीन ऑप्शन निकल आए हैं, येस आई हैव, और दूसरा है नो आई नीड टू क्रिएट वन, और नीचे आ रहा है आई डोंट नो। ठीक है, तो हमने क्या करना जी, आई डोंट नो के ऊपर क्लिक करके, या फिर आप कह रहे हैं आई नीड टू क्रिएट वन, ठीक है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके बना सकते हैं। तो हमने क्या करना जी, नो आई नीड टू क्रिएट वन, यहाँ पे क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, तो आगे हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा गूगल का। तो यहाँ पर जो है वो आप अकाउंट बना भी सकते हैं, कोई बना है तो उसको अटैच भी कर सकते हैं। हमने क्या करना जी, यूज़ अनदर अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जी आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट टू डिवाइस यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये क्लिक करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो है वो न्यू अकाउंट अपना बनाएंगे एडसन का। तो साथ ही मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि एडसन का अकाउंट भी आपने कैसे बनाना है। तो अगर आपका बना हुआ है पहले तो ठीक है, अगर नहीं बना हो तो आप इस तरह से जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो ईमेल जो है वो क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और जिस नाम का आपका चैनल होता है तो उसी नाम पे बना लिया करें तो बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बहुत जल्दी से ईमेल एक बना लेता हूँ। अच्छा जी, ईमेल मैंने जो है वो बना ली है। अभी मैं इसकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो रैंडमली कोई भी आप जो है वो मेल वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है,
तो जी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, ईमेल मैंने वो है जो क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग सा जो है वो पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जी यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। और जैसे मैं आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है हमारा एडसन जो है वो उसकी ईमेल अभी क्रिएट हुई है, ठीक है। इसी ईमेल के ऊपर जो है वो हम एडसन बनाएंगे जो कि हमने अभी अपने यूट्यूब चैनल के साथ जो है वो लिंक कर देना है। तो जी अभी हमारा जो चैनल है उसका एडसन ईमेल बन गई। अब हम इस ईमेल के ऊपर जो है वो एडसन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? तो जी यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी ईमेल वगैरह आ चुकी हैं, तो मैं क्या करूँगा जी यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पे ईमेल हमारी जो बनी हुई है वो यहाँ पे शो हो जाती है तो ये देखिए हमारी ईमेल नीचे आ गई है। तो हमने क्या करना है, जिस ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने ईमेल बना ली और यहाँ से आप जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उन दोस्तों के लिए जो हो पहली दफ़ा अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से जी ये देखिए इसके ऊपर एडसन के ऊपर डायरेक्ट वो चला गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्री जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, जिस कंट्री से भी हैं तो उस कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे ये फॉर्म है इसको रीड करके आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करके सेटअप अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लिक करने के बाद जी यहाँ पे जी आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। एक और फॉर्म आपके खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे जो है वो आप अपना नाम सबसे पहले इंडिविजुअल, ठीक है, मुझे माजरे के साथ लफ्ज़ नहीं पढ़ना आ रहा लेकिन आपने यही रखना है। और नीचे नेम और एड्रेस, ठीक है, आपने ये नेम दे देना है। अच्छा जी, उसके बाद जी आप ये जो है अपना चेंज भी कर सकते हैं नाम वगैरह, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से जी आप जो भी है अपना सबमिट पोस्टल कोड और जो भी सिटी वगैरह है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने जो है वो यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं तलहा भंडार लिख रहा हूँ, फ़िलहाल मैं अभी कोई फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कम से कम आपने एड्रेस वन लाइन देनी है और एड्रेस टू के ऊपर दे देनी है, ठीक है। यहाँ पर मेरी सिटी नवा लाहौर है और यहाँ पे भी नवा लाहौर और पोस्टल कोड भी जो है वो आप यहाँ पे दे दें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पे इतना लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये रेंडमली आप नाम जो है वो लिख सकते हैं क्योंकि हमने जो अभी परमानेंट तो जो है वो क्या क्या बोलते हैं अभी बनाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर जो है वो वेरीफ़िकेशन के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नंबर दें जो वेरीफ़िकेशन करे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे जो है वो नंबर ऐड करूँगा और नंबर ऐड करने के बाद टेक्स्ट या वॉइस करूँगा और उस नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपने यहाँ पे डालना है और आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट और वॉइस आपने टेक्स्ट ऊपर सेलेक्ट करके इसको सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ओटीपी है वो आपके दिए गए नंबर के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा तो वो ओटीपी आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। अभी इस नंबर के ऊपर जो है वो ओटीपी चला गया है, ठीक है। तो अभी ओटीपी हमारे पास आ जाएगा तो हमने क्या करना है जी, ये ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना है। हमने अपना ओटीपी यहाँ पे लगा दिया है और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जी यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू यूट्यूब पे भी चला जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे तो खुद भी चला जाएगा, नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, ये जो ब्लू कलर का है तो ये चला जाएगा। मैंने अभी इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली जो है वो चला गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो एडसन है वो हमने बना के वो भी अब हमने लिंक कर दिए इन प्रोग्रेस के ऊपर जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही इन प्रोग्रेस हमारा कम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है जी 2 से 3 वीक का टाइम दिया लेकिन जल्दी ही 2-3 दिन में हो जाता है। अगर आपका ऑर्गेनिक चैनल है 1-2-3 दिन में हो जाता है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम टाइम लगता है 4 से 5 दिन 7 दिन भी लग सकते हैं तो आपका जो एडसन वेरिफिकेशन हो के गेट रिव्यू पे चैनल चला जाएगा। एडसन का हो सकता है कि जल्दी ही हो जाए, गेट रिव्यू के ऊपर आपका चैनल जाएगा और आपका चैनल अगर ऑर्गेनिक है तो वो मोनेटाइज हो जाएगा। और अब ये चैनल है ये भी 100% जो है वो मोनेटाइजेशन इसकी ऑन हो जाएगी। तो अगर आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई भी बात पूछनी है तो नीचे कमेंट करिएगा और इस तरह की वीडियोज़ के लिए आपने इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।